अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नेक डिज़ाइन। नेक डिज़ाइन के लिए हमने 9 इंच लंबाई ली है बुकरम की और 6.5 इंच चौड़ाई ली है। तो व्यूवर्स, हम अभी पहले बनाएंगे ब्रॉड नेक के लिए, और ब्रॉड नेक के लिए हमने लिए 4.5 इंच, और डीप गला हमने रखना है 9 इंच रखेंगे। तो जब हम कटवर्क करेंगे अपने नेक डिज़ाइन में तो 4.5 इंच आ जाएगा हमारा डीप गला। तो हमने फिर स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने राउंड नेक लाइन ड्रॉ करनी है। परफेक्ट राउंड नेक आना चाहिए। इसके बाद हम कटवर्क करेंगे। कटवर्क के लिए आप कोई भी मतलब अपने हिसाब से चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा कटवर्क चाहिए तो उसके लिए आप ग्लास की हेल्प ले सकते हैं। अगर छोटा चाहिए तो कोई नेल पॉलिश या कोई भी बॉटल कुछ भी रख के आप कटवर्क कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए कटवर्क अपना नेक में, तो मैंने अब गिलास लिया है और हाफ गिलास बुकरम के ऊपर है और हाफ गिलास बाहर है। और अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि जब हम खोलेंगे तो ये पूरा कटवर्क आ जाएगा। तो हाफ गिलास हम अभी ना रखेंगे और कटवर्क करेंगे अपना। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो आपका कटवर्क है वो एक जैसा हो, बराबर हो। ये नहीं कि कोई कटवर्क ज़्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, तो एक हिसाब से हो। आपने ग्लास के हेल्प से ये कटवर्क की लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। अब हम बाहर की तरफ जो हमारा नेक होगा, जिसकी हमने कटिंग करनी है बाहर की तरफ, उसका 1 इंच हम लोग लाइन ड्रॉ करके ना इसको कटिंग कर लेंगे। फालतू जो बुकरम होगी उसे फेंक देंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी है, आप भी एक दफ़ा देखेंगे और एक ही दफ़ा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छा बनेगा। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम कोशिश की है, नेट पे देखा था कटवर्क का डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। पहले हमने बाहर की तरफ से कटिंग करनी है बुकरम की। इस वीडियो में आपको पूरी स्टिचिंग तक मैं लेके जाऊंगी कि किस तरह आपने नेक को स्टिच भी करना है, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम ना बहुत ही ध्यान से अपनी कटिंग करेंगे कटवर्क की। बेशक बहुत ही आराम से करें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ये आजकल बहुत ट्रेंडी है, कुछ लोग दामन में करते हैं कटवर्क, कुछ लोग करते हैं ट्राउज़र में, कुछ लोग करते हैं बाजुओं में, और अब तो नेक में भी आ गया। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। पहले मतलब बहुत इन था कुछ टाइम पहले, अब फिर से इन हो गया, ट्रेंडिंग में आ गया कि नहीं ये तो भाई बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग में मैंने कटिंग कर ली है। इसी तरह आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए। और अब हम ना इसे अपनी फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे बुकरम को, और अच्छे से आपने पेस्ट करना है। अब हमने फैब्रिक को स्टिचिंग का कपड़ा रख के हमने इसको अच्छे से कटिंग कर लेना है, कि मतलब जो फालतू कपड़ा वो हम काट दें और बाकी स्टिचिंग में चला जाए। ये जो है ना कपड़ा जर्सी टाइप है, ये वेलवेट भी नहीं है, जर्सी टाइप है, तो इसको तो बहुत ही मुश्किल था बनाना मेरे लिए। तो जो भी ये बनाना चाहे वो बेशक खद्दर के कपड़े में या लॉन के कपड़े में, खद्दर के कपड़ा लॉन का कपड़ा इसमें बेस्ट रहेगा। जर्सी और वेलवेट में ना थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, और उसमें अच्छा भी लगेगा, इसमें भी अच्छा लग रहा है मगर उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा खद्दर में या लॉन के कपड़े में। तो अब जो ये कपड़ा था इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमने इसको स्टिच कर लिया था और अब हमने बिल्कुल अपनी कमीज़ या फ्रॉक के बिल्कुल दरमियान में रखना है। पहले कटिंग कर लेनी है जिस तरह मैंने की है दरमियान की, और फिर इसके बाद अपना जो नेक है वो उसके ऊपर रखना है। और अब जो है ना बीच की सिलाई लगानी है ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना। वैसे भी जर्सी है तो ना तो इसको ज़्यादा खींच सकते हैं, और अगर खींचेंगे तो फिर पता तो है ख़राब हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अब हम लोग बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ स्टिचिंग करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ सेम टू सेम आपने वैसे ही स्टिचिंग करनी है कटवर्क के साथ साथ। एंड की सिलाई आप डबल कर ले। अच्छा, इसके बाद जो है ना फालतू कपड़ा हम कटवर्क के साथ साथ काट लेंगे और छोटे छोटे नोचिस कटिंग करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई कटिंग में ना आए, तो ये फिर आपका जो है ना नेक पलटने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो देख सकते हैं कि फटाफट ही नेक पलटने हो गया। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छे से आप पलट के अपने नेक को, उसके बाद आपने प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लेना है। ये A1 हो जाएगा और फिर आपने तुरपाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग आई है नेक में। और